नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजार अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि बोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रूई की डेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि बोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान दान जप और होम करता है वह सब अक्षयत होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के 55 जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न
कर की संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराए अन्य का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ दान तथा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाजते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे 100 गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य वाक और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्गजा और कुकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षे अर्घ के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1,000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षे, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन
स्तवन, अर्पण, चेतन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में नौ प्रकार की भक्ति करते हैं। वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। सो यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस प्रकार कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली ऐसी और भी कई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।